लोकसभा में कल कोरोना को लेकर होगी चर्चा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया कोरोना पर देंगे जवाब। संयुक्त किसान मोर्चा ने जारी किया बयान, बताया 4 दिसंबर को होगी बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने मिजोरम के सीएम जोरामथांगा से की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ अवमानना मामले में कहा, अब हम और नहीं सह सकते। मायावती ने खेला जाति धर्म का कार्ड, बोली हमारी सरकार बनी तो दलित जाट मुस्लिम समाज का रखेंगे ध्यान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। मिर्जापुर में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने ट्रैक्टर रैली निकालकर संदेश दिया है, देश के किसान भाजपा के साथ है। इस रैली को किसान मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों को उत्साहित और प्रोत्साहित करने के लिए ये रैली निकाली जा रही है। किसानों के हक में, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए किसान रैली हमारे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष पूर्व से आयोजित किए हुए थे कि किसान हमारे उत्तर प्रदेश में किसान रैली हर जिला में 16 तारीख एक प्रदेश में किसान रैली किया गया। उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने किसान रैली के करके और उसके बाद हर एक जिला में हो रहा है, जो इसका आज समापन समारोह है। आज 30 मिर्जापुर में तो यहाँ पर आयोजित किया गया है, एक जिला में एक ही जगह होना था, तो आज मिर्जापुर के जिला में और स्थानीय आज यहाँ पर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिलों में जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष के नेतृत्व में किसान ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। वह उत्तर प्रदेश के विपक्षियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है हमारी पार्टी कि देख लो किसान किसके साथ है। किसान अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के जन कल्याणकारी नीतियों से, किसान के हित की नीतियों के कारण, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने जो किसानों के हित में जन कल्याणकारी योजनाएं की है, दी है, किसानों के हित में कार्य किया है, उससे किसान उत्साहित है, आह्लादित है। किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस ट्रैक्टर रैली के माध्यम से मैं विपक्षियों को करारा जवाब हमारी आजमगढ़ पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा बातें कहीं हैं, जहां स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आगामी चुनाव को लेकर कहीं विकास और ईमानदारी और गरीबों के कल्याण के बल पर चुनाव जीतेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने 300 प्लस सीटें जीतने का लक्ष्य दिया है, जिसे परिश्रम के साथ जनता के आशीर्वाद से पूरा करेंगे। इसी के वक्त साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो पिछले दिनों प्रयागराज और आजमगढ़ में दलितों की हत्या काफी दुखद घटना है। उन्होंने कहा कि किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 20 से 25 दलों के गठबंधन हो चुके हैं और जल्द ही बलिया में अपनी ताकत दिखाएंगे। आने वाले दिनों में प्रदेश 6 रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तिथि जल्द घोषित की जाएगी। आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर जीत का दावा किया गया। लोग विकास के नाम पर वोट देंगे, ईमानदारी के नाम पर वोट देंगे, गरीबों के कल्याण के नाम पर वोट देंगे। हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। अगले जी 400 सीट का दावा कर रहे हैं, आजमगढ़ से क्या उम्मीद है आपको? आप देखते जाओ, कुल मिलाकर हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। दुनिया के कुछ देशों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आया है। यह नया वेरिएंट काफी खतरनाक हो सकता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया है। WHO ने इस वेरिएंट को बेहद तेजी से फैलने वाला और चिंताजनक बताया है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट इतना खतरनाक है कि इससे दोनों टीका लगवा चुके व्यक्ति के भी कोरोना संक्रमित होने का पता चला है। WHO इस वेरिएंट के मामले की जानकारी 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से मिली थी। इसके अलावा बेल्जियम और इजराइल से भी इस नए संक्रमण की पहचान हुई है। इस वेरिएंट के सामने आने के बाद दुनिया के कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका से आने जाने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इस नए वेरिएंट को लेकर रायबरेली में एम्स डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद राजवंशी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की।
कोरोना के नए वेरिएंट के संदर्भ में जनपद का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। हमारे यहाँ पीएससी स्तर पे L2-L1 हॉस्पिटल बन गए, जहाँ ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक जनपद में कोई केस नहीं आया है, यद्यपि विदेशों से आने वाले व्यक्तियों की सूची प्राप्त होने लगी है। उसमें जैसे ही हमारे जनपद का कोई व्यक्ति आएगा, उससे संपर्क करके उसको वहीं पे अपने होम आइसोलेट करके उसकी जैसे देखभाल की जाएगी। यदि उसकी भर्ती करने की स्थिति आती है तो उसके लिए भी हमारी पूरी व्यवस्था है, सब हॉस्पिटल तैयार हैं, बेड तैयार हैं। का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, जिससे आज पूरी दुनिया में खौफ पैदा कर दिया गया है। हालांकि इस वेरिएंट की एंट्री अभी हिंदुस्तान में नहीं हुई है, लेकिन केंद्र सरकार ने लगातार एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि जो भी 12 या 13 देशों से आने वाले यात्री हैं, उनको एयरपोर्ट पर ही क्वारंटीन करके उनकी जांच पूरी की जाए। हमारे साथ इस समय एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद राजवंशी जी हैं। हम इनसे ये जानते हैं आखिर ये क्या है ऐसे वेरिएंट, और एम्स प्रशासन इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां की है। सर, जो वायरस है COVID-19 का एक वेरिएंट है, जिसको WHO ने ओमिक्रॉन नाम दिया है। ये वायरस के विषय में ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि इसका बिहेवियर क्या होगा, ये किस तरीके से चलेगा। पर जहाँ तक इसकी जीन की म्यूटेशन देख के ऐसा लगता है कि ये है मनुष्य के शरीर में और या उसके कोशिकाओं में पेनिट्रेट करने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है। सर, जैसा कि यूरोप के दूसरे देश जो हैं वो लॉकडाउन लगा चुके हैं, और कहीं ना कहीं ये पिछले वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। ये खतरनाक इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसके फैलने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, पर ये कितनी डैमेज करेगा ये अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी 100 के लगभग मरीज हैं साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, यूरोप के कुछ देश, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया इत्यादि, पर अभी तक भारत में इसकी दस्तक नहीं हुई है। जो भी लोग विदेशों से आए उनमें जो टेस्ट किए गए उसमें ओमिक्रॉन नहीं पाया गया। सर, अगर ये कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन अगर जो हिंदुस्तान आता है, तो रायबरेली का एम्स प्रशासन इससे निपटने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करी है? क्योंकि दूसरी वेव में हमने L3 अस्पताल बनाया था, जिसमें हमारे पास 50 बेड हैं एडल्ट, 100 बेड हमने और ऐड किए हैं कि यदि कोई ऐसी वेव आती है और बच्चों की को भी अगर कोई असर पड़ता है तो हमारे पास 150 बेड हैं, 100 की जगह 150 बेड हम दे पाएंगे। दूसरे, हम इससे भुगतने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से जहां पूरी दुनिया खौफ में है, एक के बाद एक दक्षिण अफ्रीका से निकला ये ओमिक्रॉन नाम का वेरिएंट जो है आज 12 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। हमारे साथ इस समय रायबरेली जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीरेन्द्र सिंह हैं। इनसे हम ये जानेंगे कि रायबरेली का स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है इस तीसरी लहर के रूप में आने वाले वेरिएंट से। सर, रायबरेली जनपद में अभी तक इस वेरिएंट का कहीं कोई केस नहीं मिला है, कहीं कोई केस नहीं रिपोर्ट हुआ है, लेकिन हम लोग बिल्कुल संपर्क में हैं कि जैसे ही हमको कोई सूचना प्राप्त होती है कि कोई केस हमारे जनपद में एंटर किया है, हम उसको हमारी RRT की टीम, हमारी फील्ड लेवल के वर्कर्स सबको अलर्ट कर दिया गया है कि उसको वहीं पे ट्रैक करें, वहीं पे टेस्ट करें और वहीं पे उसको क्वारंटीन भी कर लें। तो ये इसके साथ ही साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, इन सब जगह पर हमारी टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। सर, ये वेरिएंट जो है इसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पहले वेरिएंट से ज़्यादा कहीं बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी होनी है कि ये कौन सा रूप लेगा, क्या रूप लेगा, किस तरीके से ये करेगा, लेकिन जहाँ तक बेसिक प्रिंसिपल्स की बात है
तो हमको कोविड व्यवहार का और कोविड प्रोटोकॉल्स का ही पालन इसमें भी करना है जो हम कर रहे हैं। सर, ऑक्सीजन समस्या हो चाहे बेड की समस्या हो, इसको लेकर जिले का स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है? देखिए, पिछली लहरों के मुकाबले इस बार हमारी तैयारी अच्छी है, चाहे वो ऑक्सीजन को लेके हो चाहे बेड को लेके हो। हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट्स भी हैं, हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी हैं। कंसंट्रेटर हो चाहे ऑक्सीजन प्लांट में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी उपलब्ध है, बेड की भी व्यवस्था कर ली गई है। तो कहीं ना कहीं तीसरी लहर के रूप में आ रहे इस ओमिक्रॉन नाम के कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, प्राइम टीवी, रायबरेली। मथुरा में पुलिस लाइन सभागार में यातायात माह का समापन हुआ। बता दें कि हर साल 1 नवंबर से 30 नवंबर तक यातायात माह मनाया जाता है, जिसमें स्कूल और निजी संस्थाएं यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जन जागरण रैली का आयोजन कर रही है और लोगों को यातायात के नियमों से जागरूक किया जाता है। इसी क्रम में तमाम स्कूल ने भी अपने सहयोग किया है और यातायात माह के समापन महीने के अंत में SP यातायात हरेंद्र कुमार ने कुछ पुलिस वालों को सम्मानित भी किया। SP यातायात हरेंद्र कुमार ने बताया कि इस साल यातायात माह में 30,000 चालान किए गए। जैसा कि आप अवगत हैं, प्रतिवर्ष की 30 बार यातायात माह मनाया गया, वही आज संपन्न हुआ है। इसमें यातायात पुलिस और जिला पुलिस द्वारा लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। स्कूलों कॉलेजों में तमाम प्रोग्राम किए गए और जो ट्रक चालक या ऑटो चालक हैं इनको भी हम लोगों ने काफ़ी यातायात रूल्स के बारे में जानकारी दी और जिन लोगों द्वारा इसका पालन नहीं किया गया उनके विरुद्ध हमारे द्वारा चालान की कार्रवाई की गई। इसमें करीब 30,500 चालान हुए हैं और करीब 3,78,00,000। बदायूं के थाना सहसवान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर थाना सहसवान में गंगा खादर के ग्राम सरकुरा के जंगल में चल रही अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में बने अधबने तमंचे बरामद किए गए हैं। आगामी इलेक्शंस को दृष्टिगत रखते हुए पूरे जनपद में ये जो अवैध शस्त्र का व्यापार कर रहे हैं या अन्य अवैध धंधे जो चल रहे हैं, उसके अभियान के तहत सहसवान थाने की पुलिस, इंस्पेक्टर सहसवान, SPRA और वहाँ के सर्किल ऑफिसर और उनकी टीम ने मिल करके एक बड़ी जो शस्त्र फैक्ट्री जिसमें शस्त्र बना करके वो न केवल बदायूं बल्कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में शस्त्रों की सप्लाई करते थे, उसका भंडाफोड़ किया है, उसका खुलासा किया है। इसमें दो व्यक्ति हैं, यामीन और गेदन, जिनके आपराधिक इतिहास भी हैं, इनके और आपराधिक इतिहास। औरैया में थाना पुलिस और SOG की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक अंतर राज्य गैंग के 7 सदस्यों समेत भारी मात्रा में ट्रक, बस और ट्रैक्टर को बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों को पूरी में गाड़ियों को भाड़े के नाम पर लेकर और उनके चेसिस नंबर बदलकर बेचने के मामले में कई जनपदों में मामले पंजीकृत हैं। सभी मामले में तत्कालीन ARTO मनोज कुमार का भी नाम प्रकाश में आया है। फिलहाल पूरे मामले में तलाश की जा रही है और जल्द ही इनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। छानबीन में सामने आया है कि जो ये शमीम है और इनके गैंग के अन्य साथी ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से अंतर्राज्यीय गिरोह चला रहे थे, जिसमें ये लोग ऐसे मासूम व्यक्तियों से या तो उनका ट्रक किराए पे लेने के नाम पे एवज में पैसे देने के नाम पे लेते थे और ना ही उस ट्रक का किराया देते थे, और बल्कि उस ट्रक को उसका चेसिस नंबर बदल देना, उसकी बॉडी बदल देना, उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो बदल करके और फर्जी रजिस्ट्रेशन करा करके उसको तीसरे व्यक्ति को बेच देते थे। दूसरा, ये लोग कुछ कंपनीज से, बैंक से ये लोग ट्रक फाइनेंस करवाते थे और फाइनेंस करने के बाद ये बता देते थे कि ये ट्रक इनका चोरी हो गया है और फिर दोबारा इसी ट्रक का चेसिस नंबर।
औरैया नेशनल हाईवे के शैमफोर्ड विद्यालय में आज यातायात महीने का समापन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक ने छात्रों और उनके अभिभावकों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी। इसके बारे में उन्होंने चार पहिया वाहन चालकों से सीट बेल्ट लगाने की अपील की, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने विद्यालय में मौजूद छात्रों और उनके अभिभावकों को यातायात नियमों का पालन किए जाने की भी शपथ दिलाई। पूरा ट्रैफिक नियमों का पालन करना है और जैसे 30 नवंबर हुआ बस हेलमेट उतार के उधर फेंक दिया, सीट बेल्ट उधर गई, गाड़ी की आवाज वॉल्यूम बढ़ा लिया और गाड़ी तेज रफ्तार से आप चलाने लग जाए। ये सबको पता है कि जाने अनजाने हम लोगों से कई बार, मतलब आई थिंक कोई इसको काउंट भी शायद नहीं कर सकता, इतने नियम टूटते हैं। आजमगढ़ के थाना तरवा के पास ग्राम पिथौरापुर में दलित परिवार की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्याकांड के बाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, विधायक कल्पनाथ पासवान और पूर्व विधायक रामजगयाम घटनास्थल पर पहुंचे। जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि योगी की सरकार में गुंडाराज कायम हो गया है, बदमाश बेखौफ होकर पिछड़े दलितों गरीबों की हत्याएं कर रहे हैं, कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है और प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने महसूस किया कि सरकार का अपराध पर नियंत्रण नहीं रह गया है। पीएम मोदी और सीएम योगी झूठ को सच साबित करने में लगे हैं, जबकि सच्चाई जनता जान रही है। फतेहपुर में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर फिर से अवैध शराब बनाने वाले के खिलाफ अभियान चलाया गया। चलाए गए अभियान के तहत जहानाबाद पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 120 लीटर अवैध शराब बरामद करते हुए मौके पर लगभग 8 क्विंटल नहन नष्ट किया। इस छापेमारी के दौरान ड्रोन कैमरे का भी उपयोग किया गया। फरुखाबाद में बीते दिनों राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के जर्जर कमरों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल हुए वीडियो में कमरे में छत पर पड़ा भीम छत का टूट गया प्लास्टर और निकली हुई लेंटर से सरिया दिखाई दे रही थी और इस खबर को प्राइम टीवी ने प्रमुखता से चलाया था। हमारे खबर चलाने के बाद राजकीय पॉलिटेक्निक के प्रशासन जागा और प्राचार्य ने भवन प्रभारी और सुरक्षा अधिकारी को क्षतिग्रस्त कमरों की मरम्मत कराने का निर्देश दिया। साथ ही आनन फानन में प्रधानाचार्य ने क्लास को नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया। अरे अभी बच्चों ने सेकेंडरी की क्लास हमारी चल रही है, अभी इस सेशन में आप देख सकते हैं चल रही है। थोड़ा इस बार थोड़ा ज्यादा बारिश होने से थोड़ा सा उसका प्लास्टर टूट गया था, तो मैंने अपने भवन प्रभारी और सुरक्षा अधिकारी को तुरंत मैंने उसी समय जैसे ही मैंने वीडियो वायरल देखा था या मुझे बताया था, मैंने उसके लिए निर्देश दे दिए हैं और संभवतः आज से सही भी हो जाएगा। ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, अब बच्चों को संज्ञा है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि बच्चों ने एक समस्या को उजागर किया है, तो उसको मैंने तुरंत सही कराने के आदेश कर दिए, निर्देश कर दिए हैं। अच्छा। मैंने एक फाइनल के बच्चों को शिफ्ट कर भी दिया है और बहुत ज्यादा भी मैं टीम को भेजा है और बहुत स्थिति खराब हुई तो उन बच्चों को। गोरखपुर में आबकारी टीम ने कच्ची शराब के ठिकानों पर दबिश देकर 95 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किया है। साथ ही एक आरोपी के ऊपर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया। बता दें कि जिलाधिकारी के निर्देश पर गोरखपुर का आबकारी विभाग कच्ची शराब के ठिकानों पर लगातार दबिश की कार्रवाई कर रहा है और आज इसी क्रम में आबकारी निरीक्षक के एक्शन लेते हुए कार्रवाई की गई। निर्देश पर जनपद गोरखपुर में आबकारी विभाग द्वारा लगातार शोषण कार्य किया जा रहा है, उसी के क्रम में आज के लिए कार्रवाई हुई। आज हम लोग आबकारी निरीक्षक जो है सेक्टर 2 राकेश कुमार त्रिपाठी में हूँ और मिथिलेश कुमार आबकारी निरीक्षक कैंपियरगंज, हम और दोनों लोग की टीम बना के जो है हम लोग सुबह थाना गिरा के अंतर्गत जवाहर चक है नौसड़ के पास वहाँ पे दबिश की कार्रवाई किए हैं। कुल 95 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई है। एक अभियुक्त जो है जिसका नाम संतोष है, संतोष कुमार, उसके विरुद्ध जो है आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। लखीमपुर खीरी में नीम गांव थाने पर तैनात पुलिस आरक्षी सागर चौधरी की पत्नी ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाया है। आरक्षी की पत्नी ने पति पर दूसरी शादी करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद अब पीड़िता अपने बच्चे के साथ एसपी कार्यालय पहुंची है, जहां उसने एसपी को लिखित तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। मेरी शादी 13 नवंबर 2013 को हुई थी।
और मेरे पति ने उस शादी के कुछ समय बाद ही 4 साल मतलब 2016 से मुकदमा डाल दिया मेरे खिलाफ उसका तलाक का। उसके बाद वो मुझे 4 साल केस लड़ा, उसके बाद वो मुझे ले आया, फिर मुझे यहाँ रखने लगा इसमें अयोध्यापुरी में गढ़ी रोड पे। उसके बाद वो मेरे पास ना तो आता है ना जाता है, और फिर मेरे पास 31 अक्टूबर 2021 को एक फ़ोन आया, उसने कहा आप अंशु चौधरी बोल रही हैं, मैंने कहा हाँ, तो उसने कहा आप सागर की बीवी बोली, मैंने कहा हाँ, तो उसने कहा कि आपके पति ने दूसरी शादी कर ली है, उसने नंबर दिया, मैंने नंबर पर फ़ोन करा, पावल पांडे की मम्मी ने फ़ोन उठाया, उसने कहा सागर मेरा दामाद है, मेरी लड़की से 3 साल पहले शादी हुई, उसका 2.5 साल का बच्चा है। ये बात मैंने अपने पति को बताई, पति मेरा गाली गलौज करने लगा, बदतमीजी करने लगा, मेरे साथ ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगा जिन्हें मैं बता नहीं सकती। हाँ, मैं आई थी तो मैंने ये एप्लीकेशन दी थी, मेरी यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई थी, एक महीने से यूँ दर बदर भटक रही थी कि हाँ जाओ वहाँ जाओ, कोई सुनवाई नहीं हुई। खबर रायबरेली से है, जहां पत्नी से नाराज होकर एक पति ने घातक कदम उठाते हुए मौत को गले लगा लिया। मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र के सलोन देहात स्थित चौधराना मोहल्ले का है, जहां पारिवारिक विवाद के चलते व्यक्ति ने पेट्रोल डालकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद किसी तरह परिजनों ने दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला। सलोन पुलिस आत्महत्या के पीछे अन्य कारणों की जाँच भी जुटी कर रही है। बुलंदशहर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.30 करोड़ रुपए कीमत का गांजा पुलिस ने बरामद किया है। छतारी पुलिस ने 9.60 क्विंटल गांजे के साथ दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। बता दें कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने डाक पार्सल लिखी कैंटर गाड़ी से गांजे को बरामद किया है। पकड़े गए बदमाशों के 5 साथी मौके से फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। एसएसपी संतोष कुमार ने पकड़े गए बदमाशों पर गैंगस्टर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। थाना प्रभारी छतारी और उनकी टीम के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि बीती रात प्राप्त की गई है, जिसमें लगभग 9 क्विंटल 60 किलोग्राम गांजा, जिसकी मार्केट वैल्यू अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1.30 करोड़ रुपए है, वो बरामद किया गया है। स्वराज मजदा गाड़ी कैंटर और अवैध असलाह कारतूस के साथ दो लोग मौके से गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें एक उस गाड़ी का मालिक है जो गभाना अलीगढ़ का रहने वाला है, दूसरा उसका ड्राइवर है जो बेवर मैनपुरी का रहने वाला है। इनके साथ 5 लोग और थे जो एक कार में थे और पुलिस की चेकिंग देख के भाग गए हैं, उन्हें भी नामित किया गया है, उनकी तलाश की जा रही है। तो इस तरह से एक बहुत ही शातिर गैंग है जो जनपद अलीगढ़ से आसपास के जनपदों में गांजा की सप्लाई कर रहा था और ये हैदराबाद से गांजा खरीद के लाते हैं और भारी दाम पे फायदा लेते हुए इसकी सप्लाई लोकल। और ये जनपद में थाना सहायल में विगत 28 तारीख को एक महिला के साथ छेड़खानी की गई। छेड़खानी के साथ महिला को जान से मारने की धमकी देते हुए इसके साथ मारपीट की गई। मारपीट के बाद इलाज के दौरान महिला की मौत में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने हत्यारोपी के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल गड़ासा भी बरामद किया है। हत्याकांड को लेकर पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है व अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। घटना हुई थी जिसमें बताया गया था कि एक महिला है जिनका नाम रिंकी है, उनको एक धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला किया गया और जिस वजह से वो चोटिल हो गई थी। उसके उपरांत उनका इलाज किया गया, इलाजरत होने के बाद उनके वो बच नहीं पाई। इसमें जब पुलिस द्वारा इसमें छानबीन करी गई तो इसमें नाम सामने आया एक विजय सिंह उर्फ इसलू नाम के व्यक्ति का। इस व्यक्ति ने अपनी पूछताछ में ये बताया था कि इनका उस महिला के साथ कुछ रिलेशंस थे, कुछ डेवलप हुए थे और उसको ये पसंद नहीं आ रहा था कि वो महिला किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत करती और दूसरे व्यक्ति के साथ लगाव रखती है। इससे घृणा होते हुए, इससे द्वेष रखते हुए विजय सिंह उर्फ इसलू ने उस महिला रिंकी के ऊपर एक धारदार हथियार से वार किया था, जिसके वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इसमें हमने जो मुख्य अभियुक्त विजय है इसको गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।